सब्सक्राइब करें जॉब सर्च टुडे को, और जॉब रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम और आप देख रहे हैं जॉब सर्च टुडे, जहां आपको जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, कल के जैसे वीडियो में मैंने ध्यान दिया कि मैंने अपने ये जो हेडफोन है ब्लूटूथ हेडफोन, उसको मैंने अपने ईयर में डाले रह गया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि वो थोड़ी ऑकवर्ड लग रहा था देखने में। चलिए, इन चीज़ों को साइड रखते हुए आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो 10th 12th के एग्जामिनेशन के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन हो चुका है और इस लॉकडाउन में बहुत सारे स्टूडेंट अपने अपने घर पर फंसे हुए हैं, तो सारे सेंटर्स जो थे एक स्टेट दूसरे स्टेट आई मीन डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सबको ट्रांसफ़र किया गया था, सबके सेंटर्स थे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे HRD मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी ने कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ ट्वीट किए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिजनेस में गोया मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने आज क्या और किसके लिए और कैसे एग्जामिनेशन देने हैं, वो सारे वीडियो में आपको पूरा बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि न्यूज़ आ रहा है, न्यूज़ में है, उन्होंने ट्वीट किया है कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि अपने परीक्षा को मिस कर चुके हैं, आई मीन जो इसका लॉगिन को ऐसा जो छूट चुका है, उसको देखते हुए आप अपने जिस आप डिस्ट्रिक्ट रहते हैं उसी में बैठ एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि उन्होंने, जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन में सारे बसेज ट्रेन सब कुछ बंद है, तो उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने एक्चुअली कल ही एक उन्होंने ट्वीट किया था कि आज, मतलब कि आज के दिन वो शाम के 4 या 5 बजे के बीच में लोग स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। उन्होंने उसमें बोला था कि स्टूडेंट्स जो अपने घर पर फंसे हुए हैं लॉकडाउन के कारण, उनके लिए उनके डिस्ट्रिक्ट मतलब होम सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उन्होंने ट्वीट के जरिए दिए हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है, COVID-19 संकट के कारण हजार बच्चे अपने घर पर फंसे हुए हैं, गृह प्रदेश चले गए थे। ऐसी स्थिति को CBSE बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए, विद्यार्थियों को समस्या को ध्यान में रखते हुए, CBSE ने फैसला लिया है कि वो अपने जो विद्यार्थी के अपने बोर्ड परीक्षा जो बची हुई परीक्षाएं हैं उसको अपने गृह जिला में दे सकते हैं। साथ ही एक इसके रिगार्डिंग जो ये न्यूज़ आया है, जिन्होंने ट्वीट किया है शाम को, उससे पहले जी न्यूज़ ने अपने एक आर्टिकल में उन्होंने कुछ दिया था, CBSE स्टूडेंट अलाउ टू टेक देयर बोर्ड एग्जाम्स इन देयर होम डिस्ट्रिक्ट, HRD मिनिस्ट्री सेड बाई HRD मिनिस्ट्री। तो उन्होंने उसमें लिखा था कि आज शाम के 5 बजे, मतलब आज शाम 5 बजे हमारे HRD मिनिस्ट्री आएंगे और स्टूडेंट्स को एड्रेस करेंगे कि आखिर एग्जामिनेशन को कब और कैसे देना है। तो इस आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि 10th and 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको नोटिफिकेशन मिलेगा कि उनको कैसे एग्जामिनेशन देने हैं। साथ ही और सारे जो इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होने वाले हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अगर लॉकडाउन बढ़ता है, जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन 4.0 आपका 31 मई को ख़त्म होने वाला है, तो उसको मद्देनजर अगर लॉकडाउन 5 अगर होता है तो उसको देखते हुए अपने वो गृह डिस्ट्रिक्ट में वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। उसके लिए सारी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, ये पूरे जून उनके लिए व्यवस्थाएँ की जाएंगी और उनको अपने गृह जिला से एग्जामिनेशन दे सकते हैं। उनके एक दो ट्वीट और है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उन्होंने एक चीज़ और बोला है, स्टूडेंट्स वर करंटली इन देयर सेम डिस्ट्रिक्ट एज देयर बोर्ड एग्जामिनेशन ड्यू टू लॉकडाउन, आई हैव एडवाइज CBSE इंडिया, उन्होंने टैग किया CBSE इंडिया को, टू शिफ्ट योर एग्जामिनेशन सेंटर टू योर करेंट डिस्ट्रिक्ट, काइंडली गेट इन टच विद योर रिस्पेक्टिव स्कूल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा है कि अपने स्कूल कॉलेज से आप टच में रहिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिलती रहे। तो उन्होंने इसके लिए बतौर एक वीडियो भी जारी किया है, तो आप ट्विटर पे हैंडल पर उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर आप वहाँ वीडियो देख सकते हैं उन्होंने पूरा क्या बोला है। तो अगर आपको 10th 12th एग्जामिनेशन से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स नीचे लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियोज बना दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके मुझे बताएं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नई वीडियो में, किसी नए जॉब के साथ, किसी नए एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।
जय हिंद, नमस्कार।